अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रफा और आप लोग देख रहे हैं VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो IT430 ई कॉमर्स की जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है। असाइनमेंट शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूं, मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है, जिस पे मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें आपका CS101 है, MGT101 है, MGT201 है, CF201 है, वेब डेवलपमेंट है और भी काफ़ी सारे उस पे इंफॉर्मेटिव लेक्चर हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करें और उन वीडियो से भी फ़ायदा उठाएं। उस चैनल का लिंक आप लिखेंगे www.youtube.com/teachersonlineforyou। ये मेरे दूसरे चैनल का लिंक है। जैसे आपने मुझे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में प्रमोट किया है, मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्त मुझे वहाँ पे भी प्रमोट करेंगे। तो चलिए हम अपनी असाइनमेंट की सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें हमें 3 टास्क दिए गए हैं। फर्स्ट टास्क जो है वो है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10101001 इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल विद ऑल कैलकुलेशन स्टेप्स, के आपने जो है एक बाइनरी नंबर दिया गया है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू द डेसिमल नंबर के अंदर। सेकंड टास्क ऑफ आवर असाइनमेंट इज यू हैव टू राइट द HTML कोड फॉर क्रिएटिंग अ फॉर्म एव शोन इन द फॉलोइंग स्क्रीन शॉट। आपने एक जो है HTML का कोड लिखना है। ये जो आपको एक स्क्रीन शॉट नज़र आ रहा है, जिसमें आपको स्टूडेंट ID है और उसके आगे एक फील्ड है, फिर पासवर्ड है, फिर उसके आगे एक फील्ड है, नीचे लॉगिन का बटन है और प्रेस लॉगिन बटन, ये फॉर्म आपने बनाना है। ये इस असाइनमेंट की हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट या सेकेंड टास्क हो गया। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट या लास्ट टास्क के अंदर, जिसके अंदर हमें पूछा गया आइडेंटिफाई द नेटवर्क IDs एंड होस्ट ID फ्रॉम द गिवन IP एड्रेस, देन मेंशन देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम। IP एड्रेस हमें पहला दिया गया 192.168.19.61। हमने इसका नेटवर्क ID भी बताना है और फिर इसका होस्ट ID भी बताना है। फिर उसके बाद हमें जो IP एड्रेस दिया गया वो है 172.192.1.10 और उसके बाद जो लास्ट IP एड्रेस हमें दिया गया है वो है 10.0.0.9। तो दोस्तों, ये है हमारी IT430 की असाइनमेंट और उसकी ये 3 टास्क दिए गए हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर। हमने इन 3 टास्क को परफॉर्म करता है। तो चलिए हम लोग अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे जो पहला टास्क है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये है हमारा टास्क 1। इसमें देखें, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ना सिर्फ समझाऊंगा बल्कि प्रूफ के साथ ये भी बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे की गई है और ये करेक्ट है या नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को साथ ही सिखा दूंगा। तो दोस्तों, हमने बाइनरी नंबर जो है हमारे पास वो है 10101001। हमने क्या करना है, हमने राइट टू लेफ्ट चलना है। मतलब अब यहाँ पे देखें, राइट टू लेफ्ट मैंने लिख भी दिया है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास 1 आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 आ गया, फिर 0 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, फिर 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर लास्ट में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इन सब के दरमियान में जो है मैंने प्लस वाली साइंबल भी लगा दी है। तो आपने भी ऐसे ही करना। अब सेकंड स्टेप के अंदर देखें, यहाँ पे 2 to the raise to the power 4, इसी तरह 5, 6 और 7 आ गया,
ये हमने बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है। अब दोस्तों ये एक टेबल मैंने आप लोगों से शेयर किया है, अगर 2 टू द रेज टू द पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद अगर 2 टू द रेज टू द पावर 2 होगा तो उसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा, अगर 1 होगा तो 2 आ जाएगा। और इसका मतलब ये है अगर 2 टू द रेज टू द पावर 2 है तो इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 2 टू द रेज टू द पावर 5 है तो इसका मतलब यह है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका जवाब जो है वो 32 आ जाएगा। इस तरह से टेबल के अंदर हमने देखना है और आगे अपनी कैलकुलेशन करनी है। अब यहां पे देखें 2 टू द रेव टू द पावर 2 का आंसर 4 है, 2 टू द रेव टू द पावर 3 का आंसर 8 है, 2 टू द रेव टू द पावर 4 का 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है, और फिर लास्ट के अंदर जो है हमारा 128 है। हमने वही कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे देखें 2 टू द रेज टू द पावर 0 है तो जवाब 1 है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब 1 आ जाएगा। अब 2 टू द रेज टू द पावर 1 है, इसका जवाब जो है वो 2 आएगा। अब देखें 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो जब कोई रकम 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। अगला भी हमारा 0 है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, अब देखें 2 टू द रेज टू द पावर 2 है, जवाब इसका 4 आएगा, जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब 0 आ जाएगा। 2 टू द रेव टू द पावर 3 है, इस टेबल के अंदर देखा तो वो जवाब हमारा 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दिया, प्लस किया, आगे 0 है, 2 टू द रेव टू द पावर 4 है, ये वैसे जवाब हमारे पास 16 बनता है लेकिन चूंकि 0 है तो 0 आ गया, प्लस करेंगे, उसके बाद 2 टू द रेव टू द पावर 5 है और यहाँ पे टेबल के अंदर देखा हमारे पास जो वैल्यू है वो 32 आ गई है तो वो हमने 32 लिखा और प्लस कर दिया, फिर 0, और ये इसलिए किया क्योंकि अगला जो है वो हमारा 0 है और 2 टू द रेव टू द पावर 6 है तो इसका जवाब वैसे 64 बनता है लेकिन जब चूंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए जवाब 0, और प्लस लास्ट के अंदर 2 टू द रेव टू द पावर 7 है और इसका जवाब जो है हमारे पास 128 आ गया। अब जब हमने सारी रकमों को जो है वो प्लस किया तो हमारे पास जो जवाब है वो 169 आ गया और ये हमारा डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। दोस्तों ये कन्वर्जन तो हो गई कि हमने जो है एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये हमारा जो जवाब है वो ठीक आया है या नहीं, तो उसका बिल्कुल आसान सा एक तरीका है। आप लोग जाएं रन के ऊपर, रन के अंदर लिखें CALC, CALC जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम कैलकुलेटर को कहते हैं। जब आप रन के अंदर कैलकुलेटर लिखेंगे या कैलकुलेटर ओपन कर लें, ओके करेंगे, तो हमारे सामने जो है एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। हमने करना क्या है, आपने सिर्फ ये जो एक आपको नेविगेशन मेन्यू नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से जाके आपने प्रोग्रामर वाले कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहां पे देखें आपको हेक्साडेसिमल नजर आ रहा है, डेसिमल नजर आ रहा है, ऑक्टेकल नंबर नजर आ रहे हैं और बिन नजर आ रहा है। अब देखें हमारे पास जो गिवन नंबर है वो है बाइनरी, तो हमने बिन के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि ये बाइनरी है। अब देखें जैसे हम ऑक्टल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर एक्टिव हो जाते हैं 8 तक, उसके बाद अगर हम डेसिमल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 0 to 9 सारे एक्टिव हो जाते हैं, अगर बिन पे क्लिक करते हैं तो बाइनरी के अंदर 0 और 1 होता है तो इसलिए हमारे पास 1 और 0 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें बाइनरी दिया हुआ है वो हम इस पे लिख लेंगे, मतलब 0 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर इसके बाद हमारे पास 2 टाइम 0 है क्योंकि हमारे पास पहले 1 है फिर 0 है फिर 1 है फिर 0 है उसके बाद फिर 1 है फिर 2 टाइम 0 है और लास्ट के अंदर 1 है। अब ये नंबर लिखने के बाद आपने करना क्या है, अब यहां पर देखें अगर उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो A9 आता है, अगर डेसिमल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें 169 आ रहा है और हमारा जवाब भी 169 है, तो मैं डेसिमल पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखें आपके पास जो जवाब है वो 169 आ गया। इसी तरह दोस्तों अगर हमारे पास नंबर डेसिमल के अंदर दिया हो और हमने उसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी के अंदर तो वो भी हम यहां से चेक कर सकते हैं, उसके लिए देखें हमारा जो जवाब आया वो आया 169, तो 169 यहां पे मैंने लिखा और फिर बाइनरी के ऊपर क्लिक किया तो देखें बिल्कुल वही सेम नंबर जो हमारे पास हमें गिवन है दिया गया है वो यहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो कैलकुलेशन की है या जो ये स्टेप फॉलो किए हैं उससे हमारा जो जवाब है बिल्कुल ठीक आया।
ये इस तरीके से दोस्तों हमने टास्क वन सॉल्व कर लिया। अब बारी आ जाती है जी टास्क टू की, तो चलिए हम लोग टास्क टू भी देख लेते हैं। अब टास्क टू के अंदर HTML का कोड है, बेसिक आपको पता है HTML के फिक्स टैग हैं, जिसमें देखें HTML स्टार्टिंग हो गया, उसके बाद जो है हेड का टैग हो गया, हेड का यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, टाइटल का हो गया, टाइटल को क्लोज कर दिया, और इसके टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया एवोल्यूशन असाइनमेंट नंबर वन IT430 ई-कॉमर्स। अब देखें, और इसी तरह मैंने नीचे जो है वो HTML को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया। अब इफ अगर स्नैपशॉट को देखा जाए तो ये हम एक टेबल भी बना सकते हैं, टेबल लेफ्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो तरीकेकार यूज किया वो टेबल वाला यूज किया। दोस्तों अगर आपको HTML में कोई कन्फ्यूजन है, आपको HTML नहीं आती है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, मेरे HTML से रिलेटेड लेक्चर आ चुके हैं। आप लोग जाएंगे मेरे चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे और जाके वहां पे HTML वाली प्लेलिस्ट ओपन करें और वहां से HTML सीख लें। और मेरे चैनल का जो URL है वो है www.youtube.com, आप फ्लैश डालेंगे टीचर्स ऑनलाइन, टीचर्स TEACHERF ऑनलाइन ONLINE ऑनलाइन लिखने के बाद आपने 4 लिखना है, 4 नंबर वाला लिखना है, FOR भी नहीं लिखना, FOUR भी नहीं लिखना, बल्कि 4 जो आपका डिजिट है, नंबर है, वो आपने 4 लिखना है, और U लिखना है, YOU वाला नहीं, जस्ट U प्रेस करना है और एंटर करेंगे तो मेरा जो चैनल है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन वो ओपन हो जाएगा, वहां पे आप HTML के लेक्चर ले सकते हैं। तो चलिए हम टास्क टू की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक टेबल लिया है, टेबल का टैग शुरू किया, उसके बाद TR एक टेबल रो ली, उसके बाद यहाँ पे देखें एक हेडिंग नजर आ रही है स्टूडेंट आईडी की, तो यहाँ पे मैंने TH डालकर और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख दिया। आगे हमारी टेक्स्ट फील्ड है, तो TD के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और TD को मैंने क्लोज कर दिया और टेबल रो को भी क्लोज कर दिया। आगे फर्दर जो है एक रो हमने और ली, उसके अंदर TH पासवर्ड लिखा और फिर TD के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड और TD को क्लोज कर दिया, TR को क्लोज कर दिया। आगे एक TR और ओपन की, मतलब एक नई रो बनाई, TD कॉल स्पैन 2, मतलब ऊपर जो दो कॉलम आ रहे हैं उनको मैंने मर्ज किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, हमने एक बटन बनाया और वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है लॉगिन वो हमें लिखा हुआ नजर आएगा, वैल्यू अगर हम डालते हैं, ये एक HTML का एट्रीब्यूट है, जब आप HTML का कोर्स वहां पे देखेंगे तो आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में भी वहां पे बताया गया। आगे हमने सेम एविटिव प्रेस लॉगिन बटन, ये मैंने लिख दिया और TR को क्लोज कर दिया और टेबल को भी क्लोज कर दिया, तो उसके नतीजे में मेरे पास ये एक फॉर्म बन गया। अब हमने क्या कर दोस्तों, मैं ये लाइव आपको करके भी दिखा देता हूं, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, नोट पैड ओपन करना है, नोट पैड ये हमारे सामने ओपन हो गया और नोट पैड का फॉन्ट जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक है, यही सारा कोड जो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया है या आप लोगों से शेयर किया है वो सारे का सारा कोड जो है मैंने नोट पैड के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब मैं फाइल पे जाऊंगा और सेव पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ जी IT430 ई-कॉमर्स असाइनमेंट सॉल्यूशन असाइनमेंट नंबर वन, और जब आप फाइल का नाम लिख लेंगे उसके बाद आपने .htm या .html जरूर लगाना है ताकि आपकी आउटपुट ठीक से जनरेट हो, एक ब्राउजर वाली जनरेट हो। हमने इसको सेव किया, हम सारी चीजों को मिनिमाइज करते हैं और जाके देखते हैं ये हमारे पास एक फाइल बन गई है। अब जब मैंने इस फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे देखें वही फॉर्म जो है यहाँ पे बन के आ गया। तो इस तरीके से आप जो है ये फॉर्म बना सकते हैं और फिर आपने इसका इमेज लेके वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट करके टीचर को भेजना है। तो आगे जो है इस तरीके से हमारा जो है टास्क टू जो है इस असाइनमेंट का कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने टास्क थ्री की तरफ। देखिए टास्क थ्री के अंदर हमने बताने थे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी देखें, अब जो हमारे पास पहला आईपी है वो है 192.168.91.61। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारी जो सबनेट मास्क 3 है, क्लास 3 है, उससे बिलोंग करता है, क्योंकि जब भी हम नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करते हैं या होस्ट आईडी कैलकुलेट करते हैं
तो हमारे पास जो आईपी एड्रेस दिया होता है, हम इफ की पहले क्लास देखते हैं, उसके बाद फिर उसका सबनेट मास्क देखते हैं, फिर हम उन दोनों का बाइनरी निकालते हैं, और बाइनरी निकालने के बाद उससे जो है हमें पता चलता है कि कितनी जो बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं और कितनी बिट्स ऐसी हैं जो हमारे होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं। दोस्तों ये कैलकुलेशन मैंने बिहाइंड द सीन की है और उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ आंसर। तो हमारा जो नेटवर्क आईडी है फर्स्ट आईपी एड्रेस का वो है 192.168.9.1.0। इसी तरह अगर हम होस्ट को देखें तो हमारे पास जो है 192.168.91.1 से लेकर 192.168.91.254 तक जो है हमारे होस्ट हो सकते हैं। हम इन होस्ट का एक पर्टिकुलर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने होस्ट होंगे। इसी तरह अगर जो है हमारा आईपी एड्रेस है टू, वो है 172.192.1.10। अब इसके अगर हम नेटवर्क आईडी मैंने जो कैलकुलेट किया है वो है 172.192.0.0। अगर मैं इसी तरह इसके होस्ट आईडी की बात करता हूं तो वो है 172.192.0.1 से लेकर 172.192.255.254 तक जो है इसके होस्ट होंगे। दोस्तों लास्ट जो हमारे पास आईपी है वो है 10.0.0.9। इसी तरह जो इसका नेटवर्क आईडी है वो है 10.0.0.0 और इसका जो होस्ट आईडी है हमारे पास वो है 10.0.0.1 से लेकर 10.255.255 और .254 तक जो है इसके आईडीज होस्ट आईडीज बनेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट IT430 की। इसमें हमने टास्क वन किया, उसके बाद हमने टास्क टू किया और उसके बाद टास्क थ्री किया। टास्क वन के अंदर मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई, जिसमें हमने एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट किया और फिर आपको मैंने मेथड भी बताया कि कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जवाब ठीक है या नहीं। उसके बाद सेकंड में जो है हमने एक वेब पेज बनाना सीखा। वो वेब पेज जो है ना सिर्फ मैंने आपको उसका कोड समझाया बल्कि वो आपको लाइव नोटपैड के अंदर बना के और फिर उससे आउटपुट भी जनरेट करके दिखाई। और लास्ट जो टास्क था हमारा वो आईपी एड्रेसिंग या सबनेटिंग का था, जिसमें हमने नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में बताया। तो इस तरीके से हमारी असाइनमेंट मुकम्मल हो जाती है। दोस्तों मैंने जो है एक नया चैनल शुरू किया है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के नाम से। बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, बहुत सारे दोस्तों को अभी नहीं पता। इस पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है CS101 है, MGT101 है, 201 है, CF201 है, MGT201 है, HTML का है, ऑफिस से रिलेटेड आपको और बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जैसे आपने मुझे VFFF वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में प्रमोट किया है, तो मैं अब भी यही कहूंगा कि आप इस चैनल पे जाएं, यहाँ पे जो वीडियोस दी गई हैं आप उनको ज्यादा से ज्यादा देखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मोहसिन भाई से सीखते रहें। दोस्तों मेरे चैनल का जो URL है वो आपको नीचे नजर आ रहा है, www.youtube.com/teachersonline4you। दोस्तों मोहसिन भाई को अगली असाइनमेंट या क्विज तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।